स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ITI पाठशाला में। तो आज हम इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग की ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग बनाएंगे। तो ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग में आपको तीन व्यू निकालने हैं, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। तो वीडियो के साथ बने रहना, ड्राइंग शीट पर ड्राइंग भी बनाकर दिखाएंगे। पहले 3D मॉडल में देखते हैं कि कैसे आपको कौन सा व्यू दिखाई देगा। तो ये रेड की तरफ से क्या आपका फ्रंट व्यू है और ग्रीन की तरफ से क्या ये आपका साइड व्यू है। तो ये अगर ये आपके क्वेश्चन में मेंशन होता है किस तरफ से फ्रंट है, किस तरफ से साइड है, अगर नहीं मेंशन है तो इस लंबाई में और इस लंबाई में जो लंबाई ज्यादा होती है उस तरफ से हम क्या मान के चलते हैं, फ्रंट व्यू मान के चलते हैं। तो सबसे पहले इसका अगर हम फ्रंट व्यू, तो ये रेड वाला पोर्शन है, ये आपका ऑब्जर्वर इसको अपने बिल्कुल परपेंडिकुलर रखकर देखता है, तो इसको कौन सा पोर्शन दिखाई देगा, ये रेड वाला पोर्शन दिखाई देगा। तो इसका जो फ्रंट व्यू बनेगा, फ्रंट व्यू में कौन सा व्यू बनेगा, इस तरीके से जब इस ऑब्जेक्ट को हम इस तरीके से रोटेट करेंगे, इस फेस को बिल्कुल अपने परपेंडिकुलर रखकर बनाएंगे, तो हमें कौन सा व्यू दिखाई देगा, ये वाला पोर्शन दिखाई देगा। जब आप इसका साइड व्यू बनाओगे तो साइड व्यू में आपको कौन सा पोर्शन दिखाई देगा, ये वाला पोर्शन दिखाई देगा। अगर ऑब्जर्वर इसका साइड में जाके इसको बिल्कुल अपने परपेंडिकुलर रख के देखता है तो उसको केवल इतना पोर्शन दिखाई देगा। अब बात करते हैं टॉप व्यू की। तो टॉप व्यू कौन सा आपका, येलो वाला पोर्शन। तो अगर इस ऑब्जेक्ट को इस तरीके से रोटेट करोगे तो केवल और केवल ये वाला पोर्शन इसमें दिखाई देगा। तो ये आपका कौन सा व्यू होगा, टॉप व्यू। टॉप व्यू को हम क्या बोलते हैं, प्लान भी बोलते हैं। अब इसका साइड व्यू में ये जो लाइन आप देख रहे हो इधर, ये वाली लाइन, तो इसके साइड व्यू में किस तरीके से आएगी, इधर बीच में डॉटेड आएगी, ठीक है, क्योंकि इधर से ये वाली लाइन हमें दिखाई नहीं दे रही, बट ये लाइन जो इधर बनी हुई है इसके अंदर, इस तरफ से देखने पर किस तरीके से बनेगी, वो डॉटेड बनेगी। अब देख रहे हो इसमें ये जो लाइन है, इसमें ये जो लाइन है, इस वाली लाइन, तो ये लाइन किस तरीके से आएगी, डॉटेड आएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका सॉलिड है, बट जो हिडन पार्ट्स होता है वो वाली लाइन कैसे लेनी होती है, हमें हिडन लाइंस के तौर पर लेनी होती है। तो इस ऑब्जेक्ट में यहाँ पर ये कट वाली लाइन है, तो साइड व्यू में किस तरीके से आएगी, ये वाली लाइन डॉटेड में आएगी। तो इस प्रकार से आप इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग के तीन व्यू बनाओगे। आइए अब ड्राइंग शीट पर इसको सोल्व करते हैं। क्योंकि इस न्यूमेरिकल को आप थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में सोल्व कर रहे हैं, तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जब हम व्यू बनाते हैं तो फ्रंट व्यू और साइड व्यू एक्स एक्सिस के नीचे बनता है, ठीक है। तो जब एक्स एक्सिस के नीचे बनता है, फ्रंट जिस तरफ है उसी तरफ रखना है, साइड जिस तरफ है उसी तरफ, मतलब फ्रंट आपका इधर है तो इस बॉक्स में फ्रंट बनेगा, साइड इधर आपकी राइट में तो राइट वाले बॉक्स में साइड व्यू बनेगा, और फ्रंट के ऊपर क्या बनेगा, आपका टॉप व्यू बनेगा। तो ध्यान रखना, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट और साइड एक्स एक्सिस के नीचे बनते हैं। फ्रंट अगर आपका लेफ्ट में है तो लेफ्ट वाले बॉक्स में फ्रंट बनेगा, साइड हमारा राइट में, तो इसलिए राइट वाले बॉक्स में साइड व्यू बनेगा। टॉप हमेशा फ्रंट के ऊपर बनता है, ठीक है, तो फ्रंट यहाँ बन रहा है तो टॉप इधर बनेगा। और एक जो क्वाड्रेंट खाली रह जाता है उसमें क्या करना होता है, आपको 45 डिग्री के एंगल की लाइन लगानी होती है। तो सबसे पहले हम फ्रंट व्यू बनाएंगे। फ्रंट व्यू में आपको इसमें कौन सा पोर्शन दिखाई देगा, क्योंकि आपका फ्रंट इधर से है, तो जब आप इधर खड़े होकर देखते हो इस ऑब्जेक्ट को, तो आपको कौन सा पोर्शन दिखाई देगा, ये वाला पोर्शन दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको ये ड्रॉ करना है। तो इसकी कुल लंबाई कितनी है, 35 और 15 आगे, तो कुल लंबाई कितनी होगी, 50। तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 30 mm, और लंबाई कितनी है, 50 mm। तो यहाँ पे ऊंचाई ले लोगे सबसे पहले आप इस तरफ 30 mm की, उसके बाद इसकी लंबाई कितनी आई थी आपकी, 50 mm, तो 50 mm की एक लाइन लगा लोगे इसके नीचे। अब आप क्या करोगे, इधर से ये अंदर कितना है, 15 mm, यहाँ से आप देख रहे हो नीचे से 15 mm है, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, 15 mm। तो इस तरह आप कितने mm की लाइन लगाओगे, तो 15 mm ये है और 15 mm आ गया, तो कुल लंबाई कितनी होगी, 30 mm। तो हम 30 mm की लाइन लगा लेंगे एक पहले, और इधर से 15 mm पर एक डॉट लगा लेंगे। अब ये जो लाइन आएगी आपको सीधी लाइन, इधर से 15 mm, इस तरफ से हमने 15 mm लिया
और ये सीधी लाइन लगा दी। उसके बाद आगे जो लाइन है ये 15 mm, नीचे कितना है क्योंकि कुल ऊंचाई कितनी थी 30 mm, तो ये 15 mm है, तो ये कितना बच गया आपका 15 mm, तो ऊपर से नीचे 15 mm आओगे और इसको इस तरफ 20 mm है जो आपका लाइन लगा लो और इसको बंद कर दोगे इस तरफ से। तो ये आपका कौन सा व्यू तैयार हुआ, फ्रंट व्यू तैयार हुआ। अब क्या करोगे, इसके ऊपर आप टॉप व्यू बनाओगे। टॉप व्यू बनाने के लिए क्या करोगे, आप इस व्यू से प्रोजेक्शन लेके जाओगे, प्रोजेक्शन लाइन लेके जाओगे ऊपर की तरफ। ये जो लाइन लेके जा रहे हो बिल्कुल हल्की होनी चाहिए आपकी, इस लाइन से ऑलरेडी गई हुई है। अब आप इसका टॉप व्यू बनाओगे तो टॉप व्यू में आपका कौन सा पोर्शन दिखाई देगा, ये एल शेप दिखाई देगी और ये वाला पोर्शन आपको दिखाई देगा बैक साइड का। तो ऊपर की तरफ पीछे कितना है 30 mm, तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक कितना जाएंगे 30 mm, 30 mm मतलब 3 cm। अब ये वाला जो टॉप व्यू है ऊपर से हम ऐसे देख रहे हैं, अंदर की तरफ कितना 20 mm, तो ये जो लाइन हमारी 20 mm की थी तो अंदर की तरफ आ गया हम 20 mm और पीछे कुल लंबाई है इसको इस तरफ से बंद कर दो, ठीक है। तो हमने ये वाली लाइन और ये पीछे वाली लाइन लगा चुके हैं और आगे से ये 20 mm, तो हम टॉप व्यू बना रहे हैं तो टॉप व्यू में ये वाला पोर्शन दिखाई देगा। अब हमें ये एल शेप बनानी है इसके अंदर, तो एल शेप कैसे बनेगी, ये वाला जो पोर्शन है कितना जितना ये है, ये कितना आपका 15 mm, तो ये भी कितना होगा 15 mm, तो ऊपर से ये नीचे कितना हो गए 15 mm और इसको अंदर की तरफ लेके जाओगे तो आपका ये वाला पोर्शन ये बन चुका। अब इसको नीचे ले आओगे, अब आपको ये वाली लाइन लगानी है, ये अंदर से कितने पे थी 20 पे, तो ये आपका कौन सा व्यू बना, टॉप व्यू। ये वाला जो पोर्शन आपका ये और ये एल शेप आपकी ये वाली। अब आपको क्या करना है, इसका साइड व्यू बनाना है। तो साइड व्यू बनाने से पहले क्या करोगे, आपके फ्रंट व्यू और टॉप व्यू से प्रोजेक्शन लाइन लेके जाओगे जिनकी मदद से हम साइड व्यू बनाएंगे। ये प्रोजेक्शन लाइन बिल्कुल हल्की लेके जानी है, तो जितने भी कॉर्नर पॉइंट है आपको सभी कॉर्नर पॉइंट से प्रोजेक्शन लेके जानी है। अब इनको नीचे बिल्कुल परपेंडिकुलर ऐसी आपको साइड व्यू फ्रंट व्यू से प्रोजेक्शन लेके आनी है। इसके लिए क्या आएगा, ये डॉटेड आएगा। तो साइड व्यू में क्या दिखाई देगा, ये वाला पोर्शन और ये वाला। आप जब इधर से देखोगे तो आपको ये वाला बॉक्स और ये बॉक्स दोनों आपस में मिले हुए दिखाई देंगे। तो इस तरीके से आपके ड्राइंग के तीनों व्यू कंप्लीट हुए। डॉटेड क्यों आया, क्योंकि हम इधर से देख रहे हैं ये पीछे क्या कट लगा हुआ है, तो इसकी जो लाइन है इधर क्या आएगी, इसके अंदर डॉटेड आएगी। तो तीनों व्यू बनाने के बाद क्या करोगे, आप इसकी डिमेंशनिंग करोगे, उसके बाद आपको सभी पार्ट्स की डिमेंशनिंग कर देनी है अच्छे से, नीट एंड क्लीन। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। थैंक यू हमारी वीडियो देखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों।